हमीरपुर जिला भर में पिछले कुछ महीनों से ऑनलाइन ठगी के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। हमीरपुर जिला पुलिस बस अड्डा हमीरपुर पर लोगों को जागरूक करने के लिए पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम और LED लगाई जाएगी। इसके माध्यम से पुलिस विभाग बस अड्डे पर आने जाने वाले लोगों को विभिन्न प्रकार की जानकारियां देगा और उन्हें जागरूक करेगा। पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के जरिए लोगों को ऑनलाइन ठगी, चोरी, जेब कतरों, ट्रैफिक नियम पर अन्य अपराधों के बारे में समय समय पर ऑडियो के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। आपको बता दें कि जिला हमीरपुर में पिछले 3 महीनों से 1 दर्जन से ज्यादा ऑनलाइन ठगी के मामले सामने आए हैं, जिसमें लोग लाखों रुपए गंवा चुके हैं। ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए पुलिस विभाग की ओर से बस अड्डे पर LED भी लगाई जाएगी। इसमें अपराधों के तरीकों का वीडियो, ट्रैफिक नियम पालन करने का वीडियो, नियमों के उल्लंघन से होने वाली हानियों का वीडियो और चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले चोरों का वीडियो दिखाया जाएगा, ताकि वीडियो देखने के बाद लोग वैसी हरकतें करने वाले लोगों से सतर्क रहें और अपराध कम हो। हमीरपुर पुलिस अधीक्षक अर्जित सेन ठाकुर ने कहा कि बस अड्डा हमीरपुर पर पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम और LED लोगों को अपराधों, ट्रैफिक नियमों और अन्य बातों के बारे में जागरूक करने के लिए स्थापित किए जाएंगे। फिलहाल ये हमीरपुर बस अड्डे पर स्थापित किए जाएंगे। कंप्लेंट भी दायर करेंगे, पर ये FIR दायर करेंगे, पर ये अननेसेसरी अपनी गलती, अपनी लापरवाही के कारण अगर ये कोई ठगी होती है तो उस समय वो डायरेक्टली बैंक में रिपोर्ट कर सकते हैं। बैंक वालों की मैंडेट है कि वो इसका हल जो है 48 घंटे के अंदर अंदर निकालें। तो अवेयर रहना और केयरफुल रहना अपने पैसों के मामले में खासकर, और एक बार अगर मान लो आप किसी ट्रैप में फंस ही जाते हैं, अगर लालच में आपको लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ धोखाधड़ी हो रही है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बैंक अथॉरिटीज़ और पुलिस को बताएं, ताकि इसमें और फ्रॉड ना बढ़े। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन चल रहे हमीरपुर स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में पेयजल संकट गहरा गया है। संस्थान में पिछले कई दिनों से नियमित पेयजल आपूर्ति न होने से संस्थान में शिक्षा हासिल कर रहे BTech, MTech, MPhil, MBA समेत अन्य स्नातकोत्तर कक्षाओं के 3000 से अधिक प्रशिक्षु विद्यार्थियों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। छात्र छात्राएं बाजार से बोतल बंद पानी खरीदकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं, जबकि नहाने और कपड़े धोने के लिए पानी न मिलने से हॉस्टल के भीतर का माहौल बहुत खराब है। NIT हमीरपुर में दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल समेत देश भर से बच्चे शिक्षा हासिल करने आते हैं। NIT को IPH विभाग पेयजल आपूर्ति उपलब्ध करवाता है। इसके बदले में NIT संस्थान प्रदेश के IPH विभाग को भुगतान करता है। NIT और हमीरपुर शहर को उपमंडल सुजानपुर स्थित ब्यास नदी की 2 पेयजल स्कीमों लोंगणी और बीड बगेड़ा से पेयजल आपूर्ति होती है, लेकिन ब्यास नदी में बरसात के मौसम में सिल्ट आने और बिजली आपूर्ति के बाधित रहने से पेयजल आपूर्ति बाधित हो रही है। इसके साथ ही गत दिवस बड़बड़दार पेयजल टैंकों की मेन पाइपलाइन में रिसाव के चलते भी NIT की पेयजल आपूर्ति बाधित रही। उधर IPH विभाग हमीरपुर के SDO राकेश गर्ग ने कहा कि गत दिवस पेयजल लाइन में लीकेज की वजह से आंशिक रूप से पेयजल आपूर्ति बाधित रही थी, जबकि उपमंडल सुजानपुर में बिजली आपूर्ति गुल रहने से पेयजल की सप्लाई बाधित हुई है। बिजली न होने से नदी से पानी की लिफ्टिंग नहीं हो रही।
एनआईटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर सुशील चौहान का कहना है कि आईपीएच विभाग की तरफ से गत दिवस पेयजल आपूर्ति बाधित हुई है। संस्थान की बैठक में भी ये मुद्दा उठाया गया है, लेकिन संस्थान में सबमर्सिबल हैंडपंप है जिनसे पेयजल आपूर्ति हो रही है। इसके अलावा गंभीर समस्या पर पेयजल टैंकर भी मंगवाए जाते हैं। पुलिस भर्ती परीक्षा की निशुल्क तैयारी करवाने के लिए यहां की एक कोचिंग संस्था आगे आई है। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में पुलिस कर्मियों की भर्ती हेतु सभी जिलों के जिन विद्यार्थियों ने ग्राउंड टेस्ट उत्तीर्ण कर लिया है उनकी लिखित परीक्षा अगस्त माह के दूसरे सप्ताह में होना सुनिश्चित हुई है। ऐसे सभी जिलों के सरकारी स्कूलों के छात्रों के मार्गदर्शन के लिए MEDM एजुकेशनल सर्विस हमीरपुर द्वारा 29 जुलाई से 9 अगस्त तक मुक्त कोर्स करवाया जाएगा। संस्था के प्रतिनिधि मनोज कुमार ने आग्रह किया है कि इच्छुक विद्यार्थी अपना पंजीकरण 28 जुलाई तक MEDM एजुकेशनल सर्विसेज हमीरपुर के कार्यालय में करवा सकते हैं। छात्रों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। प्रतिदिन 8 घंटे कोचिंग अनुभवी शिक्षकों द्वारा प्रदान की जाएगी, जिसमें तर्क तथा सामान्य ज्ञान, गणित, सामान्य अंग्रेजी तथा हिंदी भाषा ज्ञान इत्यादि विषय पढ़ाए जाएंगे। कोर्स पूरा होने पर छात्रों के लिए एक मॉक टेस्ट भी आयोजित किया गया है। मॉक टेस्ट के पश्चात एक चर्चा सत्र भी आयोजित किया जाएगा ताकि छात्र अपनी कठिनाइयों तथा परीक्षा के दौरान समय प्रबंधन पर चर्चा कर सके। मैथमेटिक्स और एवरीडे साइंस भी रहेगा, और बाकी ऐसा नहीं है, टाइम टू टाइम जो है वो संस्थान जो है वो इस तरह की सुविधाएं जो है मुहैया करवाता रहता है। तो हमें ये उम्मीद है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो इसको अवेल करें। पूरे हिमाचल प्रदेश से जो है वो ये हमने अपनी तरफ से मैसेज देने की कोशिश की है, आपके माध्यम से भी सबको पता लगे। इसके साथ साथ बाकी यहाँ पर जो संस्थान में है वो जैसे TGT मेडिकल, नॉन मेडिकल और आर्ट्स की जो है वो कमीशन की क्लासेस चली है। अभी तुरंत टेट की भी 15 अगस्त से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। हम जैसे ही इनका कोर्स खत्म करेंगे पुलिस का, तो अगर